बहन उस दिन अपने सहेली के घर गई थी। मुझे पता नहीं था, उसकी सहेली घर पर नहीं थी, उसका बड़ा भाई था। हाय राहुल, तुम्हारी बहन किधर है? थोड़ा बाहर गई है। मुझे बुलाकर खुद ही चली गई। माया, इतना जब आई हो, अंदर आओ, एटलीस्ट पानी पीकर जाओ, देखो कितना पसीना आ रहा है। नहीं, मैं चलती हूँ। माया, कम ऑन, अंदर आओ प्लीज, आ जाओ। मेरी बहन बहुत इनोसेंट थी, बचपन से ही उसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान था, वही हुआ उसके साथ उस दिन। माया, अंदर आओ ना प्लीज, हेजिटेंट क्यों हो, अपना ही घर समझो। तुम बैठो। हाँ आंटी, किधर है? दिख नहीं रही है। दरवाजा क्यों बंद किया? एसी चलाऊंगा इसीलिए बंद किया। तुम पानी पियोगी? शोमा का बड़ा भाई आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। माया, ये लो पानी पियो। मैं फिर चलती हूँ। माया, और थोड़ी देर बैठो ना, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। माया, ये देखो हमारी फैमिली एल्बम, ये देखो, ये हमारे पिता, और ये हमारे मम्मी, और ये छोटी सी, कौन बताओ तो, ये तुम्हारी सहेली, और ये मैं हूं। लो ना, देखो देखो, खुद से देखो। राहुल, स्टॉप इट राहुल। माया, भैया भैया, थैंक गॉड आप आ गए। आप यहां कैसे आए? तू ठीक है? उसका उसका इंटेंशन सही नहीं था, मैं तो शोमा से मिलने आई थी। मैंने तुझे रास्ते पर देखा, डाउट हुआ जब तूने अपना रास्ता बदला। बहन वहां कहां जा रही है? माया, माया, अरे माया, भैया एक लड़की को देखा है? शॉर्ट ड्रेस, हेडफोन लगाई हुई थी। हाँ हाँ, यही गई है इस घर में। तूने सोचा कैसे? तू मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा? बहन चल यहां से, तेरे नाम पे मैं थाने पे कंप्लेन करूंगा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। कमीना, कहीं का तू जानता नहीं है मुझे।